गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम व्याकरण का पाठ वचन करेंगे। बेटा वचन क्या होता है? जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। बेटा वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन बहुवचन। एक वचन जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे बच्चा खेल रहा है, तोता उड़ रहा है, बच्चा तोता। बेटा ये एक वचन है। बहुवचन जिसमें संज्ञा या सर्वनाम शब्द से अनेक बहुत चीज होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, तोते उड़ रहे हैं, तो ये बेटा तोते बच्चे ये बहुवचन है। अब हम कई बार ऐसा होता है बेटा कि एक वचन एक वस्तु होती है, एक शब्द होता है, उसके साथ भी हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हमने किसी को आदर भाव देना है, सम्मान देना है, तो वहां पे हम बहुवचन का ही हमेशा प्रयोग करते हैं। जैसे पिताजी आए, पिताजी आया नहीं, पिताजी आए। तो बेटा ये हमारा व्याकरण का टॉपिक वचन था, इसको ध्यानपूर्वक समझना, इसका अभ्यास कार्य करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।